Good morning, all of you. Welcome again to each and everyone. Chapter number 13. Subject verb agreement. हम subject verb agreement पढ़ रहे थे, इसके बारे में आपको समझाया था और आपको work दिया था. आप लोगों ने किया है और आप लोग इसी तरह work करते रहिए और अपना work online send भी करते रहिए, क्योंकि online send करने से आपकी attendance possible होगी, आपकी attendance हम कर पाएंगे, otherwise आपकी absent हम लगा देंगे. और जब भी आपसे कहा जाए कॉपी लाने के लिए स्कूल में, आप कॉपी लेकर आएंगे और आपका वर्क यही चेक हुआ करेगा जैसे पहले हुआ था. अच्छा सर, इसमें मैंने आपको वर्क दिया था डेफिनेशन याद करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आपको बताया था एक रफली बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. जैसा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ही है तो इज आएगा, ही इज, अगर शी है तो इज आएगा, वी है तो आर आएगा, समझ रहे हैं ना. इस तरह से बहुत सारे वर्ब हैं, इज एम आर एस एव डू डज, तो कुछ इसमें कुछ सिंगुलर है, कुछ उसी के अकॉर्ड है. अब इसमें हमने इसको कवर कर लिया था, पेज नंबर देखिए 101 पे देखिए. इसको हमने देखा था देयर, हमने हमने पढ़ा था देयर इज, देयर के साथ इज भी आता है और देयर के साथ आर भी आता है, और आपको समझाया था कि देयर को देखकर हम वर्ब को चूज नहीं करते, हम देयर के बाद नो वन, इसके बाद जो नाउन आएगा, जो प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं वर्ब को. जैसे देयर इज नो वन, अब नो वन है तो नो वन पर्सन सिंगुलर है, तो हम देयर इज नो वन है, ठीक है. देयर आर फाइव स्टूडेंट, अब यहाँ फाइव स्टूडेंट है तो हम इसके अकॉर्डिंग आर लगाएंगे. अगर फाइव की जगह होता वन, देयर इज वन स्टूडेंट, तो हम आर नहीं लगाते, इज लगाते. तो देयर इज और देयर आर, देयर के साथ इज भी लगता है आर भी लगता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन जो भी आप किसने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग. इट बताया था, इसके बाद इट, इट के साथ हमेशा हम, दे ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, हमेशा हम सिंगुलर वर्ब पर, इट इज ए हॉलीडे, इट इज रेनिंग आउटसाइड. अब ई देखिए, रूल नंबर ई, अब ये कह रहा है कि एंड, अब एंड अगर राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ये दो हो गए, तो इनके साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, हम लगाएंगे प्लुरल, क्योंकि ये दो हैं, तीन हैं या चार हैं, मोर देन वन होते हम आर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, डू डज में से डू को यूज करेंगे, हैव हैज में से हैव यूज करेंगे, क्योंकि ये सब प्लुरल वर्ब है, सब्जेक्ट प्लुरल है इसलिए वर्ब भी प्लुरल होगा, इससे एग्री करना जरूरी है वर्ब का सब्जेक्ट से. तो शी एंड आई वर्क, देख रहे हैं एग्जाम्पल में, यूर फादर एंड माई फादर आर. आप एफ में आइए, एफ में क्या कहता है ये, इफ द नाउन, अगर नाउन रेफर करते हैं एक ही पर्सन को, एक ही चीज को, एक ही आइडिया को, तो उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा. दिखने में तो अपेरेंटली वो हमको दो नजर आएंगे, तीन नजर आएंगे, जोड़ा नजर आएगा, लेकिन वो होगा एक ही, उसे हम एक में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि सेम पर्सन सेम थिंग और सेम आइडिया. जैसे द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी, मूवी का जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये एक ही पर्सन है, वो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे. राइस एंड करी, अब राइस एंड करी एक ही यूनिट में काउंट होगा, राइस एंड करी फूड है, इसको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे, आइडिया एक ही है, तो आप किस लगाओगे, द कप एंड सॉसर, कप कप और उसके नीचे जो हम रखते हैं सॉसर, जो प्लेट होती है, वो ये भी एक ही यूनिट में काउंट होगा, सेम सेम थिंग है ये, तो इसलिए हम इस यूज करेंगे. तो कप एंड सॉसर ये दो नहीं है बल्कि एक ही यूनिट है, एक ही चीज है. राइस एंड करी है, सलवार कुर्ता है, सलवार कुर्ता ये भी एक ही यूनिट में काउंट होगा, ठीक है, एक ही चीज, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेकर आएंगे. अब जी में आइए, पेज को टर्न करें, 102 पेज पर आइए, जी, वेन टू और मोर ऑब्जेक्ट,
जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट इन द सिंगुलर आर ज्वाइंड बाय आइदर और, अभी कह रहा आइदर और नाइदर नोर, एवरी वन वन ऑफ द नन, इनके साथ अगर रहेंगे, अगर एक या एक से अधिक नाउन, दो या तीन नाउन अगर इनसे कनेक्टेड हों, इनसे आइदर और नाइदर नोर वन ऑफ नन, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें, नाइदर ऑफ दीज सिंगर्स, अब सिंगर्स तो हमें दिख रहा है, दी सिंगर तो प्लूरल है, लेकिन इसके साथ नाइदर लगा हुआ है, इनमें से इन सिंगर्स में से एक भी सिंगर नहीं, मीन सिंगुलर हुआ, सिंगुलर आपको वर्ब लगाना होगा तो वाज लगेगा, ठीक है, वाज। अगर प्रेजेंट है तो इज लगा दें, परफेक्ट है तो हैज लगा दें, यहाँ वाज लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसके बाद आइदर, आइदर दिस बॉय और दिस गर्ल, ये लड़का ये लड़की या ये लड़का, इन दोनों से एक, लड़का भी है बॉय भी है और गर्ल भी है, दिखने में हमें अपेरेंटली दो नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों से एक एक, क्योंकि आइदर और ये जो है ना आपका आइदर और ये चॉइस है, दोनों से एक आपको, तो ये सिंगुलर हुआ तो हेज हो गया, तो हैज मतलब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है। इसके बाद एवरीवन, एवरीवन के साथ एवरीवन, हर एक प्रत्येक, ये भी सिंगुलर वर्ब है इन द फैमिली में, हर एक, तो वर्ब सिंगुलर होगा, वह सिंगुलर है। वन ऑफ द गर्ल्स, अब गर्ल्स द गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हैं लेकिन ये कनेक्टेड है, वन ऑफ से, वन ऑफ द गर्ल्स बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्कूल ऑफ द सिटी, तो वन ऑफ लगते ही वर्क सिंगुलर आता है। नन ऑफ द वर्क हैज, अब नन ऑफ द वर्क, नन, नन ऑफ द वर्क, ये वही नाइदर वाला सेंस आ रहा है, नाइदर वाला ना, तो नन इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके बाद देखें, सम पर्सन अपीयर टू, कुछ पर्सन, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमको लगते हैं प्लूरल है, ये बहुवचन है, आगे उनके एस लगा होता है लेकिन वो होते सिंगुलर है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, लेकिन सबके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन ये सब सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब और सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट नेक्स्ट देखेंगे आप, ऐसे सब्जेक्ट जैसे जिनमें कंसिस्ट ऑफ टू नाउन, जिसमें दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो और वो जुड़े हुए हैं, दो नाउन या दो से अधिक, दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन अगर ये जुड़े हुए हों, कैसे एज वेल एज से, इनमें अगर एज वेल एज का यूज हुआ हो या विद का यूज हुआ हो, तो द वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ये ध्यान रखें। तो पहला जो सब्जेक्ट उसको हम काउंट करेंगे, वो प्रॉपर सब्जेक्ट कहलाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मिस्टर अरुण एज वेल एज हिज फ्रेंड, अब यहाँ मिस्टर अरुण है और एज वेल एज के आफ्टर हिज फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे मिस्टर अरुण को, हमें एज वेल एज के बिफोर, विद के बिफोर जो नाउन है उसे काउंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चूज करेंगे, तो क्या बनेगा, फिर मिस्टर अरुण सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आई एज वेल एज यू, अब यहाँ पर यू और आई हम यू के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, मतलब वर्ब को चूज नहीं करेंगे, बल्कि एज वेल एज से बिफोर आई है तो आई के अकॉर्डिंग एम लगाएंगे आप, ध्यान रखें इस बात का, आई एम होगा। द कैप्टन विद अदर मेंबर्स, अब यहाँ विद आ गया, अब तक आया एज वेल एज, अब विद द कैप्टन विद, विद से बिफोर देखो आप, विद से बिफोर कैप्टन है, कप्तान है तो कैप्टन, तो विद से बिफोर कैप्टन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द शिप विद इट्स क्रू, विद से पहले देखें शिप,
यहाँ पर वास लगेगा, समझ आ गया आपसे। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा, एक क्राउड ऑफ पीपल वाज, ए हर्ड ऑफ बफेलो, हर्ड ऑफ सारे, बहुत सारे भैंसों का झुंड है, लोगों की भीड़ है, तो यहाँ पर भी उनके साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। लास्ट देखें टेल ऑफ, अब देखिए टाइटल ऑफ बुक्स, कुछ बुक्स के टाइटल्स हमें हमको लगते हैं जैसे ये प्लूरल हो लेकिन वो सिंगुलर हुआ करते हैं, जैसे इसमें आप देखिए प्लूरल टेक्स सिंगुलर वर्ब, अरबियन नाइट्स, अरबियन नाइट्स, नाइट्स बहुत सारी रातें, ये बुक का नाम है अरबियन नाइट, इसके साथ हम सिंगुलर लगाएंगे। लास्ट में देखेंगे आप मनी है, डिस्टेंस है, टेक्स सिंगुलर, मनी रुपया पैसा, इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। दूसरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, डिस्टेंस के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब, इस तरह से आपका ये लेसन फिनिश हो गया। अब जी इनको आप सॉल्व करेंगे, इनमें से जो आपको नहीं आए वो इन रूल्स रेगुलेशन में जाके पेज नंबर 101 और 102 पर आप इन दोनों को चेक करेंगे, देखेंगे। इसके बाद देखें अभी एक्सरसाइज है पेज नंबर 103, नाइदर ऑफ द बॉयज क्या लगाना है आपको, इज लगाना है, ए पैक ऑफ डॉग्स ये क्या लगाना है, इज लगाएंगे या वाज लगाएंगे, टेंस कोई से भी चूज कर लें आप, प्रेजेंट या पास्ट, क्योंकि ये सिंगल फिनिट वर्ब सेंटेंस है, सिंगल फिनिट वर्ब में आप कोई से भी टेंस लगा सकते, मतलब इज लगाएंगे वाज लगाएंगे। विक्रम एज वेल एज विनोद, अब आपको विक्रम के अकॉर्डिंग यूज करना है, तो यहाँ पर अब यहाँ डन है मतलब परफेक्ट टेंस है, तो हैज डन आएगा, हमें आगे देखना होगा डन, डन मतलब थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज होगा, अभी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स, अब ईच आया तो सिंगुलर, कॉस्ट, कॉस्ट के आगे कॉस्ट, सीओएसटी कॉस्ट, एस लगा दीजिए कॉस्ट, तो नंबर वन में इज आया, नंबर टू में इज या वाज, नंबर थर्ड में हैज, नंबर फोर में, नंबर फोर में कॉस्ट, सीओएसटी कॉस्ट, और एस लगा ए लॉट ऑफ मनी, नंबर फाइव में इज, नंबर सिक्स में इज, नंबर सेवन में इज, नंबर एट में हैज गॉन, या गॉन है तो हैज लगेगा, नंबर नाइन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, नंबर टेन है आपको नाइदर ही वाज, वाज आएगा यहाँ पर, नाइदर ही, यहाँ पर आपको टेन में वाज लगा देना है, वाज ट्रेन फॉर दिस प्रोफेशन, ऐसे वाइस है। इलेवन देखें इज आएगा, ट्वेल्व देखें हैज आएगा, थर्टीन में देखिए हैव आएगा, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव, थर्टीन में हैव, फोर्टीन में ए लॉट ऑफ टाइम वाज, 14 में वाज आएगा, 15 इज आएगा, एवरीवन इज सीन इज आएगा, 16 में देखिए 10 लीटर नाप है ये इज आएगा, नंबर 17 में 50 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया इज आएगा, 18 समथिंग इज आएगा 18 में, 19 में इज आएगा 1000 रुपीज, ये रुपीज आ गया, मनी आ गया इज आएगा, और 20 में इज ऑलरेडी लगा हुआ है। इस तरह से इनको आप यही आपका वर्क है, और इसको आप अपनी आंसर बुक में करके और ऑनलाइन इसको सेंड करें, अपलोड करें, चेक आपका स्कूल में होगा जब भी आपको बुलाया जाए, या आपको। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।